उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे। बता दें कि सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसे में संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन में गज द्वार के ऊपर झंडा फहराएंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन वो नाराज हैं और ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें काफी देर से निमंत्रण मिला। खड़गे ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मैं इस चिट्ठी बेहद निराशा से लिख रहा हूँ। मुझे नए संसद भवन में ध्वजारोहण समारोह का आपका निमंत्रण 15 सितंबर की शाम को मिला, जो कि काफी देर से मिला। खड़गे ने लिखा कि वो कांग्रेस की नवगठित कार्य समिति की हैदराबाद में हो रही बैठक में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम पहले से ही तय है, इस वजह से वो रविवार देर रात तक की दिल्ली पहुंच पाएंगे और ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया। इससे पहले रविवार को नए संसद भवन पर धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई इमारत में शिफ्ट होगी। नए भवन में इसी दिन से कामकाज का श्री गणेश हो जाएगा। विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन के कामकाज भी यही होंगे। आपको बता दें कि नई संसद 13 से 14 अक्टूबर को G20 देशों के स्पीकरों को होस्ट करेगी। यहाँ पार्लियामेंट 20 मीटिंग होगी। आमंत्रित देशों की संसद से स्पीकर में इसमें हिस्सा लेंगे। यह पार्लियामेंट 20 ग्रुप की 9वीं मीटिंग होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।